दोस्तों, भोला मूवी का जितना क्रेज पूरे देश में बना था और जितनी पॉपुलैरिटी ट्रेलर्स को टीजर्स को मिली थी, वो देखकर प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये फिल्म पहले दिन तकरीबन 20 से 25 करोड़ तो आराम से कमा लेगी। लेकिन डे वन के यानी के कल थर्सडे के गुरुवार के पूरे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं और वो है 11.2 करोड़ रुपीज। सिर्फ 11.2 करोड़ रुपीज का बिजनेस यह मूवी पहले दिन कर चुकी है। कल छुट्टी भी थी और इस वजह से यह आंकड़ा थोड़ा ज्यादा निकल कर सामने आ गया है। लेकिन आज डे टू फ्राइडे का कलेक्शन अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ आ रहा है 7 से 8 करोड़ रुपए का, यानी के कल का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उससे भी बहुत कम आज का कलेक्शन हो चुका है। तो कुल मिलाकर 2 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 18.2 करोड़ रुपीज का, यानी कि उम्मीद से भी कम आज बहुत ही कलेक्शन कम हुआ है। देखते हैं कि कल यानी कि वीकेंड में क्या हो सकता है। दोस्तों, नानी की फिल्म दशहरा ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो धमाल मचाया है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। पहले दिन इस मूवी ने 23.2 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। मैं ये सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। और यह मूवी जो है भोला को बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। और आज शुक्रवार दूसरे दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर हम देखते हैं तो 12 करोड़ रुपए का बिजनेस इस मूवी ने किया है, यानी कि 2 दिन में तकरीबन 35.2 करोड़ रुपए 35.2 करोड़ रुपीज यह मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पहले दिन का इसका आंकड़ा था 38 करोड़ रुपए का, सिर्फ एक दिन में 38 करोड़ रुपए। और यह मूवी जो है नानी की अब तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली सबसे बड़ी हिट साबित हुई है। देखते हैं कल से वीकेंड चालू हो रहा है और सैटरडे संडे यह मूवी कितना कलेक्शन करती है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए एक्स्ट्रा टेल के साथ। धन्यवाद।